हेलो दोस्तों, मैं कैफुल्ला आजमी और आप सभी को मेरा ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपको एक सम्मान समारोह में ले जा रहे हैं, वहां दिखाएंगे कि आज जो है किस चीज का सम्मान समारोह है। तो चलिए चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं गया के महावीर इंटर कॉलेज में, जहां आपको हम दिखाएंगे कि जो है किस तरह से सम्मानित किया जाता है और सम्मानित में जो होता है उस समय क्या क्या किया जाता है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं गया महावीर इंटर कॉलेज में, उसके बाद सारी बातें वहाँ होगी। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना। और दूर से लीजिए ना, आदमी के सही इन्हें देख। आज का मुख्य अतिथि के रूप में है विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश यादव जी। तो मैं ट्रस्ट के सचिव महोदय से आग्रह करूंगा कि उन्हें माला पहना कर यह सम्मानित करेंगे। मैं बता दूं कि जब इस प्रोग्राम की चर्चा मैं सुरेश सर से किया तो अपना विचार रखा था कि सर आपके स्कूल में अपना प्रोग्राम रखना चाहता हूँ। आज ये जो व्यवस्था है इन्हीं के स्वजन से है, इसके प्रति आभार प्रकट करता है सर। तो अब सबसे पहले मैं क्या बताऊँ, ये कहा गया है कि गुरुजन जो गुरु है उसकी बखान करना बड़ा मुश्किल होता है। सपूत हम सपूत में नहीं रोक सकते हैं उनकी वर्णन को। एक सेवा काल को बिना किसी तरह के पिता से, बिना किसी के दाग से और सेवा पूर्ण कर लेना भी बहुत बड़ी उपलब्धियाँ होती है। तो हमारे समक्ष उपस्थित हैं पाली सर, संजय कुमार पाली जी, उनको सम्मान दे रहे हैं। ट्रस्ट का उप सचिव मनोज कुमार सिन्हा सर से मैं निवेदन करना चाहूँगा करके स्वागत करेंगे। और कागज करूं लिखनी सब बन राय, सात समुद्र मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा को वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। और इसी भाव के साथ माता स्वरूप सुषमा कुमारी जी को स्वागत करेगी उमा जी। उमा जी को आमंत्रित करना चाहूंगा, उमा जी उन्हें माला पहना करके सम्मानित करेंगे।
आगे की कड़ी में हैं
सुषमा कुमारी, सुषमा कुमारी जी आप के विद्यालय से हैं और सर इधर देखिए सर अब मैं आग्रह करूंगा Thank you.